हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त यहाँ पे आपको स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, परपेटुअल इन्वेंटरी सिस्टम। इन्वेंटरी सिस्टम का अंदर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, हमारे अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो आइए लेट्स स्टार्ट द परपेटुअल इन्वेंटरी सिस्टम। सो फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वेंटरी सिस्टम? ओके, द इन्वेंटरी सिस्टम और द इन्वेंटरी कंट्रोल मीन्स द फैक्ट और द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टॉक आर मेंटेन्ड बाय द बिजनेस सो एज to be able to meet the customer demand without delay while keeping the cost associated with holding the stock to a minimum. Inventory control यानी क्या है? यहाँ पर क्या करना है हमें? Maintain the appropriate amount of stock. अगर कोई भी हमारा business है वहाँ पर हमारा stock maintained रहना चाहिए। अगर stock maintained रही नहीं है तो हमारा business का पूरा शेड्यूल जो है, कस्टमर की जो डिमांड है, वो पूरा क्या हो जाएगी, यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगी। कोई भी बिजनेस हो, छोटा से लेकर बड़े से बड़ा तक बिजनेस हो, अगर एक आधी कंपनी का प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पा रहा है तो कस्टमर में बैड इफेक्ट चला जाता है, बाद में कस्टमर उस प्रोडक्ट को मार्केट में पूछेगा ही नहीं। सो विद द हेल्प ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल वी मैनेज और वी मेंटेन दी आवर बिजनेस और स्टॉक। ओके, वी मेंटेन दी आवर स्टॉक सो एज टू मीट द कस्टमर डिमांड। कस्टमर की डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं, उसे ज़्यादा देर तक रुकने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, विदाउट डिलेइंग कर सकते हैं एंड कॉस्ट भी उसकी नहीं बढ़ेगी उस टाइम। ओके, वो भी हमें मेंटेन रखना है। सो ऑल दैट इज़ कॉल्ड एज ए इन्वेंट्री कंट्रोल। उसे क्या कहते हैं हम? इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। ओके, दिस इन्वेंट्री कंट्रोल आर having the two types of the basic methods, that is perpetual inventory method and the periodic inventory method. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं perpetual inventory system, important topic. What do you mean by the perpetual inventory system? Okay, it is the continuous inventory system in an inventory control system that allows the user to keep a more accurate account of inventory on hand. यहाँ पे हमें क्या मेंटेन करना है? मोर एक्यूरेटली हमें इन हैंड पूरा क्या करना है? इन्वेंट्री मेंटेन करना है। ओके, आगे देखते हैं। इट बिकम्स ए पॉपुलर आफ्टर 1917 व्हेन द यूज ऑफ द कंप्यूटर बिकम्स मोर वाइड स्प्रेड। 1970 के बाद कंप्यूटर का यूज ज़्यादा बढ़ने लगा। एट दैट टाइम इट बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज वी हैव टू मेक द रेडी एंड इन हैंड। ओके, अगर किसी ने पूछा कितना स्टॉक है, इतना स्टॉक है। किसी ने पूछा कितना बैलेंस है इतना बैलेंस है। कितना लगने वाला है, इतना लगने वाला है। ऑल दैट इन हैंड हमें होना चाहिए। ओके, दैट ऑल इन हैंड मेंटेन बाय द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अभी पूछा 10 दिन के बाद बताता हूँ, ऐसा इस परपेचुअल सिस्टम में नहीं होता। अभी पूछा है इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मीन्स डे टू डे और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रिकॉर्ड क्या किया जाता है, वहाँ पे मेंटेन किया जाता है नाउडेज विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर की वजह से वो ज़्यादा पॉपुलरली हो गया है। रिकॉर्ड द स्टोर बैलेंस आफ्टर द एवरी रिसिप्ट। हर एक रिसिप्ट आने के बाद, सपोज दैट द एक रिसिप्ट आ गई हमारे बिजनेस में और वेयर हाउस में, किसी भी जगह हो, एक रिसिप्ट आ गई प्रोडक्ट की, तो उसको क्या कहते हैं हम? मेंटेन कहते हैं। इशू टू फैसिलिटेट द रेगुलर चेकिंग, रेगुलर चेकिंग करते हैं एंड प्रिवेंट द क्लोजिंग डाउन ऑफ द स्टॉक टॉकिंग। ओके, स्टॉक का क्लोजिंग डाउन नहीं होने देते, स्टॉक को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? पूरा स्टॉक क्या होता है? मेंटेन रखता है। डे टू डे चेकिंग होता है, हर एक रिसिप्ट के बाद चेकिंग होता है। ओके, तो पूरा स्टॉक क्या होता है वहाँ पे? मेंटेन होता है। स्टॉक का क्लोजिंग भी वहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मेथड। व्हाट आर द मेथड्स विद द हेल्प ऑफ वी मेंटेन द डे टू डे आवर इन्वेंटरी स्टॉक? हम हमारा स्टॉक, इन्वेंटरी स्टॉक डे टू डे चेक करने हमें करना है तो क्या मेथड्स है? फर्स्ट, बीन कार्ड मेथड। सेकंड, स्टोर्ड लेडजर। थर्ड, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। ओके, दीज आर दी थ्री मेथड इन दैट। नंबर वन, बीन कार्ड
method. Okay, bin card method यानी क्या? The table that record the status of the gold held in the stock. एक ऐसा टेबल है, उस टेबल में हम क्या करते हैं, पूरा स्टॉक का रिकॉर्ड क्या करते हैं, मेंटेन करते हो. नाउडेज दीज आर इन दी कंप्यूटर्स, लेकिन ओल्ड टाइम में क्या करते थे, एक टेबल रखते थे, एक टेबल होता था. अभी भी कहीं कहीं जगह पे अगर कंप्यूटर का यूज़ नहीं है तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है. हर एक बिजनेस में हो, फार्मेसी में हो, ड्रग स्टोर में हो, बड़े बड़े सभी जगह पे. यहाँ पे क्या किया जाता है, एक टेबल किया जाता है, और टेबल में क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है स्टॉक. देखते आगे, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट मेंटेन बाय द स्टोर कीपर इन हिज स्टोर टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द आइटम इन हिज स्टोर. ऑल आइटम के रिकॉर्ड क्या होते हैं, मेंटेन होते हैं स्टोर में. ओके, विद द हेल्प ऑफ द बिन कार्ड. नेक्स्ट, सो द बिन कार्ड सर्व एज पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग द रेडी रेफरेंस. ओके, ऑल स्टॉक का है, हमारे पास कितने हैं, 50 प्रोडक्ट है रेडी, उसके क्या इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है, टोटल इंफॉर्मेशन आर रेडी. ऑल द स्टॉक की इंफॉर्मेशन क्या है, रेडी है वहाँ पे. इट शोज द क्वांटिटीज ऑफ ईच मटेरियल रिसीव्ड इशूड एंड इन स्टॉक. ओके, टोटल हमारे पास 10 मटेरियल है, उसका इशूड कितना है, कितना इशू हुआ है, कितना बैलेंस है, कितना स्टॉक में है, ये पूरा इंफॉर्मेशन है. ओके, सपोज दैट अभी एग्जांपल लेते हैं ड्रग स्टोर का. सपोज दैट हमारे फार्मेसी में पैरासीटामोल के अगर 50 स्ट्रिप है, ओके, तो वहाँ पे कंप्यूटर में क्या मेंटेन होगा, 50 मेंटेन होगा. ओके, अगर वहाँ पे ख़त्म होते जा रहे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाँ 40 ख़त्म हो गए, 10 बाकी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टॉक फिर से मेंटेन करना पड़ेगा. मीन्स ये कॉलम में क्या करते हैं हम, पैरासीटामोल उसका रिसीव्ड कितना है, उसका इश्यू कितना है, और उसका स्टॉक कितना है. ओके, ये पूरा इंफॉर्मेशन वहाँ पे क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. अ बिन कार्ड इज यूज्ड फॉर ईच मटेरियल. हर एक मटेरियल के लिए हम बिन कार्ड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि हर एक मटेरियल का हमें जानना है कि ये कितना बाहर गया है, कितना स्टॉक में बचा है, कितना हमने लिया था, ये सभी हर एक बिजनेस में ये बैलेंस करना होता है, इसलिए इट इज़ यूज्ड फॉर ईच मटेरियल. ईच रिसिप्ट इशू और रिटर्न इज रिकॉर्डेड ऑन द बिन कार्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड द लेटेस्ट बैलेंस इज शोइंग आफ्टर द ईच रिसिप्ट एंड इशू. ओके, क्रोनोलॉजिकली हमें हमने क्या किया होता है वहाँ पे, मेंटेन किया होता है. मीन्स टाइम टू टाइम पहला जो आया उसका मेटर रहता है, बाद में जो आया क्रोनोलॉजिकली वो पूरा क्या होता है वहाँ पे, मेंटेन होता है. एंड एट द एंड ऑफ द, ओके, एट द एंड क्या होता है, रिसिप्ट एंड इशू का पूरा क्या होता है वहाँ पे, बैलेंस होता है. लार्ज स्टॉक वेयर हाउस विल यूज द बिन कार्ड टू रिकॉर्ड ए रनिंग बैलेंस ऑफ द स्टॉक ऑन हैंड. ओके, इन एडिशन टू इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक रिसीव्ड एंड नोट्स अबाउट द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट स्टॉक आइटम. ओके, लार्ज वेयर हाउस जो है, बड़े बड़े जो वेयर हाउस है उसमें ज़्यादातर बिन कार्ड्स का भी वहाँ पे क्या होता है, यूज़ किया जाता है. रिसीव्ड वगैरह, रिसीव कितना है, इशू कितना हुआ है, बैलेंस कितना है, ये तीनों भी वहाँ पे लिखे होते हैं. और कोई उसका प्रॉब्लम भी अगर है तो उसके बाजू में भी इशू किया जाता है कि ये डिले हो रहा है, ये प्रोडक्ट आने में उसको 4 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, इस महीने से 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए, कुछ भी अगर इशू है, अगर ये प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, यहाँ से मटेरियल बाहर नहीं जा रहा है, तो उसका क्या इशू है, वो भी उसके बाजू में क्या किया जाता है, वहाँ पे मेंटेन किया जाता है. ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप. ओके, यह आपके यहाँ पे आपको स्वदेशी कंपनी, कोई तो कंपनी है, उसका बिन कार्ड है. ओके, बिन कार्ड नंबर होता है, बिन कार्ड नंबर, बिन नंबर होता है, फिर नेम ऑफ द आर्टिकल, जो मटेरियल है उसका नाम क्या है. ओके, देन कोड नंबर होता है, उसको कोड, स्टोर लेंजर फोलियो, फिर बाद में मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, मिनिमम कितनी है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डर कितनी की है, ये सब. और यहाँ पे देखिए डेट है, गुड रिसीव्ड कब हुआ, क्वांटिटी कितनी हुई. ओके, उसकी रिसिप्ट, इशू, स्टोर रिक्विजिशन और क्वांटिटी, और बैलेंस कितना है. अगर देखो कंपनी, किसी भी कंपनी में हो, किसी भी बड़े वेयर हाउस में हो, कंपनी का एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी इंडस्ट्री का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. ओके, तो उसमें क्या होता है, एक स्टोर मटेरियल होता है. अगर बाहर का टैबलेट बना रहे हैं हम, तो बाहर का कोई भी मटेरियल अगर हमारे स्टोर में आया, तो पहले स्टोर में क्या होता है, वहाँ पे रिसिप्ट होता है, वहाँ पे उसका पूरा रिकॉर्ड क्या होता है, पहले नोट डाउन किया जाता है. बाद में क्या होता है, क्वांटिटी कितनी इशू हुई, वो क्वांटिटी वहाँ पे
सॉरी, पहले क्या होता है कि पूरा मटेरियल अंदर आ गया, रिसीव किया, रिसीव किया, सब इंफॉर्मेशन लिख ली, बाद में हर एक डिपार्टमेंट को जो कोई वहाँ से मटेरियल लेके जाता है, वहाँ पे अगर QA डिपार्टमेंट है उनको रिसर्च करना है, बाद में रिसर्च होने के बाद जब वो फाइनलाइज कहेगी कि यस स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग, देन टैबलेट हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने का, वहाँ पे मटेरियल लगता है, तो वो सब कहाँ पे आएगा, इशू हुआ वो मटेरियल चला गया उस स्टोर से। ओके, अभी बाकी कितना है वो क्या होता है बैलेंस में, कोई रिमार्क है तो रिमार्क, और अगर यहाँ पे देखिए गुड फॉर ऑर्डर, अगर ऑर्डर करना है तो यहाँ पे बैलेंस इतना है, हमें ऑर्डर लगने वाली है तो कब ऑर्डर करना है, क्वांटिटी कितनी की करनी है, और डेट ऑफ गुड रिसीव्ड, और रिसीवर की क्या होती है इन्फॉर्मेशन, ये पूरा इन्फॉर्मेशन क्या होता है इसमें इन्वॉल्व रहता है। ओके, बिन कार्ड का फॉर्मेट है। स्टोर्ड लेंजर, इट इज केप्ट इन द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ये होता है। द स्टोर्ड लेंजर इज जनरली मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लूज लीफ कार्ड बिकॉज दे कैन बी इजिली रिमूव एंड इंसर्टेड। लूज लीफ कार्ड में ये किया जाता है, इजिली रिमूव और इजिली इंसर्ट करने के लिए ये करना पड़ता है, फास्टली हमें करने के लिए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में ये रहता है। द स्टोर्ड लेंजर इज ए मैनुअल और ए कंप्यूटर रिकॉर्ड ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द प्रोडक्शन सप्लाईज स्टोर्ड इन ए प्रोडक्शन फैसिलिटी। ओके, इट इज मेंटेन्ड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एसेट्स सच एज ए वेयर हाउस मैनेजर। ओके, ये पूरा कौन मैनेज करता है, वेयर हाउस मैनेजर ये क्या करता है, मैनेज करता है। ये है उसका फॉर्मेट, देखिए सेम मटेरियल कोड कोड बिन नंबर मटेरियल डिस्क्रिप्शन उसका लोकेशन मैक्सिमम क्वांटिटी। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है, रिसिप्ट GR नंबर क्वांटिटी रेट उसका अमाउंट और रेट इसमें एडिशन होता है, इश्यूज अमाउंट रेट बैलेंस। ओके, ये क्या होता है इमीडिएट और फास्ट हमें करने के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट में होता है, जनरली वेयर हाउस मैनेजर ये क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। देन कंटिन्यूस स्टॉक टॉकिंग टेकिंग। ओके, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग रेफर्स टू द एक्सरसाइज ऑफ द फिजिकल चेकिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री हेल्ड बाय द एंटिटी ऑन द रेगुलर। हमें रेगुलर बेसिस में फिजिकली चेक करना है वहाँ पे। ओके, फिजिकली काउंट करना है, काउंटिंग करनी है, और रेगुलरली फिजिकली वहाँ पे जाके क्या करना है हमें चेक करना है। ओके, ये अंडर दिस सिस्टम ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द एटम्स इज वेरीफाइड। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा था अभी, अंडर दिस सिस्टम लिमिटेड नंबर ऑफ द ओके लिमिटेड नंबर ऑफ द आइटम इज वेरीफाइड डे, हर एक डे में लिमिटेड नंबर वेरीफाई करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द आइटम एंड मटेरियल शुड बी सच दैट द आइटम ऑफ द मटेरियल गेट चेकड अप टू एटलीस्ट अ सर्टन नंबर ऑफ द टाइम इन ए ईयर। हर एक ईयर में क्या होना चाहिए, हर एक आइटम का नंबर आना चाहिए। आज अगर 10 आइटम सेलेक्ट किए तो उसका ईयर में 8 बार 10 बार उसका नंबर आना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि एक बार चेक किया और 4-5 साल हो गए वहाँ पे देखा ही नहीं, तो ईयर में उसका हर एक बार नंबर आना चाहिए। ऐसे सभी आइटम को हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे इन ईयर, एंड चेकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आइटम भी चेक हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, ये दोनों काम चल रहे हैं। अगर सपोज कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और कहीं पे स्टार्च रखा है स्टोर, ओके तो स्टार्च रखा है तो स्टार्च में जाके चेक भी कर रहा हूँ कि वहाँ कोई डैमेज है क्या, कोई डिटोरिएशन है क्या, कोई मॉइस्चर कंटेंट है क्या, ये मैं चेकिंग भी कर रहा हूँ हर एक टाइम टू टाइम। और मटेरियल भी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भेज रहा हूँ, दोनों काम वहाँ पर क्या है चालू रहने चाहिए। द सेलेक्टेड नंबर ऑफ द आइटम आर काउंटेड डेली, डेली सेलेक्टेड नंबर ऑफ द आइटम हमें काउंट करने हैं, मीन्स आज अगर 15 आइटम देखे तो वो 15 आइटम हमें क्या करने हैं कंपेयर करने हैं बिन कार्ड और स्टोर्ड लेंजर। स्टोर्ड लेंजर यानी फास्ट कार्ड बोल सकते हैं हम, वहाँ पे स्टोर कीपर के पास जो होता है, तो वहाँ पे बिन कार्ड पे और स्टोर कीपर के पास दोनों जगह पे ये क्या आने चाहिए सेम। अगर बैलेंस अगर अंडर स्टोर 10 है तो वो हर एक जगह पे कितने आने चाहिए, 10 ही आने चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हमारी कंपनी में 15 प्रोडक्ट है स्टार्स के, 15 वेसल्स है और वहाँ पे देखिए चेक किए तो वहाँ पे 10 ही है, कि वहाँ पे ज़्यादा है कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सभी जगह पे क्या होना चाहिए सेम वहाँ पे होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक्स वंस अगेन।